अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेकों में। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है मुमरा शहर के पॉलिटिशियन रीदा रशीद मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो? शुक्रिया, शुक्र, ठीक। रीदा मैडम की मैं बात करूंगा कि मुमरा शहर में बहुत कम समय में उन्होंने अपनी जगह मुमरा में बनाई है। आप बोल रहे हो? मैं देखा, मैंने तो मुमरा में देखा नहीं, लेकिन बहुत कम समय में रीदा मैडम ने बहुत अच्छी अपनी होल्ड मुमरा शहर में बनाई है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जगह मैंने बनाई है, उसके जगह पर मैंने अच्छा काम किया है और लोगों तक पहुंची हूँ और लोगों की कुछ मदद करी हूँ, ये बोलने लोगों में ये सुनने में अच्छा। लोगों में रहते हैं आप लगातार, है ना? हाँ, वो तो लोगों के बीच में रहते हैं और नेता का काम ही होता है लोगों के बीच में रहना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जैसे कि हमने देखा कि आप पहले अंधेरी में रहते थे, उसके बाद में आप मुमरा शहर में हैं। मुमरा शहर में आने के बाद पॉलिटिक्स आपने बहुत ही तेज़ी से पॉलिटिक्स में आप काम करें मुमरा शहर में, खास करके संजय नगर का इलाका आपने पकड़ के बैठा है, क्या सोच के आपकी उसको? पॉलिटिक्स तो पहले करती थी और अभी भी कनेक्ट हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन पॉलिटिक्स करते करते मुझे लगा कहीं काम करना ज़रूरी है और कुछ एरियाओं में काम करना है मुझे। तो जब मुझे लगा कि काम करना चाहिए तो मुझे लगा मैं मुमरा में काम करूँ और बस मुमरा सेलेक्ट किया और जैसे मुमरा शिफ्ट हो गई और मुमरा में काम कर रही हूँ, करती हूँ। मैंने ट्रस्ट भी है। यस, मेरी ट्रस्ट है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन से। जैसे आपने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से हूँ लेकिन मुमरा में आके मैं बताना रह गया, मुमरा में आके मैंने अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन चालू किया। अच्छा, आने के बाद यहाँ पे? या अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन पहले से रजिस्टर है और मेरी और एक संस्था है महिला विकास समिति। अच्छा। ये दोनों संस्था मेरी पहले से काम करती, लेकिन मैंने मुमरा में दोनों संस्था को एक्टिव रखा है। अच्छा। जिसपे अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन काम करती है। तो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन कौसा में भी काम करती थी, रोजगार महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए मैंने गारमेंट चालू किया। अच्छा। वहाँ से भी मौका मिला था मैं महाराष्ट्र महिला आयोग में काम करने का। मैं महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हूँ और जे हॉस्पिटल में भी सदस्य हूँ मैं अभी भी। अच्छा। तो ये दो संस्था में काम करते करते मेरी महिलाओं की तरफ और मैं मुड़ी, पहले से प्रैक्टिस थी फिर और मैं उनके तरफ गई और पूरे महाराष्ट्र में काम किया है। एक मुमरा में ही नहीं, मैंने पूरे महाराष्ट्र में काम किया। आज भी मैं पूरे महाराष्ट्र में काम करती हूँ क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस मुझे मुमरा में भी करने के मौका मिला। और बोलते हैं ना, अगर एक नगर सेवक बनता है तो उसका वो दायरा के आगे वो कुछ कर नहीं पाता है। वो मुझे नहीं लगता टीएमसी से जल्दी मदद पहुंचाया जाता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का क्या मैं आज महाराष्ट्र के कोई भी कोने से आपको मदद चाहिए होगी तो मैं शुक्र इसका भी मानूंगी जिन्होंने मुझे संस्था में मेंबर्स बनाया, जिस संस्था में मुझे काम करने का मौका दिया। तो ये सब काम करते हुए मैंने उनको रोजगार दूं मैं। फिर मैंने रोजगार केंद्र चालू किया। कोई नेता ऐसा नहीं है जो 20 रुपया और 10 रुपए के लिए काम करता होगा। अच्छा। लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी सोशल वर्कर। अच्छा। मैंने वो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया वो डायमंड चिपकाने का काम होता है बहनों को, जो घर घर पहुंचाने का काम तक भी मैंने किया क्योंकि मैं कुछ मदद कर पाऊँ। जी मैडम, जैसे कि मुमरा शहर में आपने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन में सेलिब्रेट किया, उस बारे में समझेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का अगर बर्थडे सेलिब्रेट सब पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में हुआ था। शायद आपने किया था? हाँ, देखिए मैं वही बोल रही हूँ। हाँ। पूरे देश में हुआ तो क्यों मुमरा में नहीं? मुमरा अलग तो है नहीं, मुमरा में भी होना चाहिए था और मैंने किया। हाँ, सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। हाँ। और इसके आगे भी मैं चला रही हूँ कि आंगनवाड़ी में जितने बच्चे आते हैं उनके साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है केक काट के। और क्यों करना नहीं चाहिए? अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है ये बात अलग है कि आपको पता नहीं है। अच्छा। लेकिन बताने वालों का तो फर्ज बनता है ना कि किसी ने अच्छा काम किया है। तो मैं तो बोलूँगी योजनाएं जितनी मैं चला रही हूँ। अच्छा। जितनी भी योजनाओं पे मैं काम कर रही हूँ वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है। अच्छा। तो मुझे लगता है वो संस्था काम कर रही है वो योजनाओं पे, तो वो जो योजना बनाने वाले सिस्टम के मेन जो है, प्रमुख जो है, देश के प्रमुख जो है, उनका बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए? जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ काम किया है, मैं बहुत सारी योजनाओं पे काम करती हूँ। मेरे ऑफिस में आप जाओगे तो 24/7 आपको सब योजनाओं पे काम चलता रहता है। मैडम, जैसे कि मैं देखा आप कोई कॉरपोरेशन में ही नहीं हो अभी, नगर सेवक नहीं, लेकिन आप नगर सेवक के ज़्यादा करके काम कर रहे हो। अपने वार्ड में मैंने देखा गटर नाले का भी आप काम कर रहे हो, ये क्या सोच कर आप काम कर रहे हो?
देखिए, गटर नाले का काम करने के लिए नगर सेवक होना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, कंप्लेंट करना वाला जरूरी होता है। गटर और नाला और सड़क बनाने वाला नगर सेवक ही होता है क्या? नहीं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक मकसद होगा कि मुझे अभी आगे कॉर्पोरेशन में जाना है। हाँ, तो मैं तो देखो, मैंने कहा ना, मैं तो वो सब काम नॉर्मली ही कर सकती हूँ। वो मैं जब जाऊंगी वहां पर टीएमसी में, तो काम कुछ और भी करना है मुझे। मैं ये सोच के नहीं जाऊंगी गटर बनाऊंगी, वो गली बनाऊंगी, वो तो काम मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। पब्लिक का दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता नहीं? पब्लिक का दिल जीतने के लिए बहुत सारे काम किया है, जैसे मैंने कहा योजनाओं पे, मैं महिलाओं के रोजगार के लिए मैंने 2018 में पूरे मुंब्रा शहर में 120 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। अच्छा। एक कुछ लोग थे ना, चढ़ चढ़ के बोल रहे थे हमको नहीं पता और कैमरा निकालो करके। ये सो हमने लगाए थे, पुलिस के जानकारी में थी बात। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हुआ और वो टीएमसी से मेरी बात हुई और वो निकाले गए। वैसे काम किए थे मैंने लड़ाई, अगर मुंब्रा के शहर के लिए लड़ाई जितनी मैं लड़ी हूँ, बहुत गाली भी सुनी उसके लिए, क्योंकि जो लड़ाई करेगा मुंब्रा का एक वो बन गया है, जो अच्छा बोलने जाएगा उसको गाली दिया जाता है। हाँ, जैसे कि आपको पता है मुंब्रा में 3 दिन पानी नहीं था, 2019 की बात कर रही हूँ मैं। मुंब्रा में 3 दिन पानी नहीं था शहर में, और इलेक्शन के भी दौर थे उस टाइम पे, तब हमने बाहर से पानी लाए थे, टंकर तक उठा के ला के टाकी पे से हम लोग आगे पास कर रहे थे। सडनली वहाँ पर एक हंगामा हुआ और सडनली एक मूवमेंट चालू हो गया वहाँ पर, कई टंकर अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने पूछा था क्यों नहीं जाएंगे, तो बोले नहीं नहीं ये नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, और शहर में पानी नहीं है बिल्कुल। हाँ, मस्जिद में वजू के लिए भी पानी नहीं थे, लेकिन वहाँ रोका गया। वहाँ पर बहुत सारे नेते लोग आ गए, कुछ नेता पत्थर उठा रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है। अच्छा। मतलब इस तरीके से भी काम किया है मैंने। अच्छा। और धमकी वाली बातें वो भी सब सुनी है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है वो सब बातें चलते रहती है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ पर भी गरीब कोई आवाज़ देता है और मुझे कोई सोशल काम के लिए आवाज़ देता है, जैसे कि मस्जिद बनाना हो, मंदिर बनाना हो, बुधविहार बनाना हो, कोई भी काम से कोई भी बहन आके मुझे बोलती है मेरा ये काम है, कोई भी सोसाइटी के लोग आके मुझे बोलते ये काम है, तो मैंने जैसे आपने कहा मैं अभी नगर सेविका नहीं हूँ, लेकिन मैं वो सब काम करती हूँ। ये मेरी एक हॉबी बोला जाए या मुझे करने की एक उम्मीदें है और मुझे आगे भी ये सब काम करना है, तो ये सब काम मैं करती हूँ। इलेक्शन किस पार्टी से लड़ोगे? मैं एक सोशल वर्कर बोल के काम करती हूँ, मैं ऑलरेडी नगर की एक सेविका हूँ। अच्छा। नगर सेवक बोलते हैं ना। अच्छा। मैं एक नगर की सेविका हूँ ऑलरेडी, जहाँ मैं काम करती हूँ। लेकिन रिधा रशीद हो या अर्शा वेलफेयर फाउंडेशन का झंडा, अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी लगाया ही है। अच्छा। और इंशाल्लाह टीएमसी तक भी ले जाऊँ। तो कोई पार्टी का आपको ऑफर आता है तो आप लोगे उसको? जरूरत नहीं है पार्टी के ऑफर के लिए, लड़ सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आप पार्टी का ऑफर क्यों लेते हैं, क्योंकि आप कमजोर बना लियो अपना। हाँ, पार्टी का ऑफर वो लेता है जो अपने आप को कमजोर समझता है। अच्छा। जिनको सहारा की जरूरत है, जिसको वो लाठी की जरूरत है। अच्छा। तो शुक्र है अल्लाह का, क्या मैं इतना तो कर लेती हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत है। मतलब इंडिपेंडेंट लड़ोगे, आजाद से लड़ सकते हो और आजाद से जीतने की उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको देखा, आप हमेशा कहते हो मुंब्रा का डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट पे आप खास करके बोलते हो, तो क्या आपको ये सब क्या दिख रहा है? सब हुआ नहीं, क्या डेवलपमेंट है? बिल्डिंग खड़ी हो गई तो डेवलप हो जाता है तो क्या नहीं? आपके हिसाब से रास्ता बन गया, रास्ता दिल्ली सरकार ने बना दिया तो हो गया, गलियां कहाँ बनी है, गार्डन्स कहाँ बने हैं, पानी कहाँ है, हॉस्पिटल आधा बन के आपने खाली उसको आधे में रख दिया है, अभी भी कितने टोरेंट पहली बात तो चिल्ला रहा है सबके घर में मतलब मैं लोगों के प्रॉब्लम, मैं घर के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, गटर नाले कहाँ है? देखिए, अगर मुंब्रा की बात करोगे, मुंब्रा के लोगों की बात करोगे, लोगों की बहुत छोटी सी उम्मीदें हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है। कहाँ है रोजगार? कहाँ है? आज ही मैं ऑफिस में बैठी थी, एक बच्चे ने बोल दिया कि मुझे कॉल आया था काम के लिए और मैंने मुंब्रा का बोला तो मुझे बोला कि आपको कॉल किया जाएगा, जैसा मुंब्रा का एड्रेस गया तो वो रिप्लाई उनका थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो कहाँ है डेवलपमेंट? बच्चे कहाँ जाएंगे तो काम पानी के लिए? अभी पानी का संपम तो खुला है, बोल दो पानी नहीं है। वो तो आप लोग लास्ट टाइम की न्यूज़ उठा के देखिए, आमदार जी बोलते हैं पानी आ गया है। अच्छा। और उसी के 2 दिन बाद यहाँ के नगर सेवक आंदोलन करते हैं कि पानी दो टीएमसी पानी दो। अच्छा। तो मतलब किसका बात सच माने? मैंने पहले भी बोला है ये चीजें। हाँ। किसकी बात सच मानोगे आप? आमदार जी की मानोगे? उद्घाटन होता है फिर आंदोलन भी होता है। हाँ, 2 दिन में होता है, मतलब कौन सच है वो पब्लिक ही कंफ्यूज है उनके बातों में, या कौन सच है या 2 दिन पहले जो पानी आ गया था वो सच है या 2 दिन बाद जो पानी मंग रहे वो सच है, तो वो देखो एक अलग ही दुविधा उनके अंदर ही चल रही है, क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन ये सब काम बाकी है, डेवलपमेंट अगर होना है तो डेवलपमेंट लोगों के घर से लेके
बाहर के मेन रोड तक जाना चाहिए। खाली मेन रोड भी डेवलप होके नहीं चलेगा, गली नाले बिजली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रोजगार। आज मैं स्लॉटर हाउस की बात करूँ, मैंने स्लॉटर हाउस के लिए कब्रिस्तान के लिए जब मैंने रैली वगैरह निकाला था उसमें भी जेंट्सों को गाली पड़ी थी, मेरा नाम नहीं आया था। अच्छा। बहुत गंदी गाली पड़ी थी। तो मुझे लगता है स्लॉटर हाउस खुलता तो मुझे लगता काफी बच्चों को रोजगार मिलता, काफी भाइयों को रोजगार मिलता। क्यों रुका हुआ, क्यों ऐसा? मतलब आप लोगों ने ऐसा कुछ पर कुछ किया है? बहुत कुछ किया था, करेंगे इंशाल्लाह। आगे भी साहब भी यहाँ पर दौरे पर आए थे। हाँ, लेकिन उस बारे में मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, वो काय के लिए आए थे। हाँ, मैं तो थी ना, मैं तो वही, मुझे मेरे लिए शौक था कि क्या था वो। लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले काल में मुझे नहीं लगता किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बात पे बिल्कुल मैं काम करूँगी, क्योंकि मेरे से कनेक्टेड है। अगर मैं बहनों की रोज़गार के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे बच्चों की रोज़गार के लिए भी काम करना है, मुझे भाइयों के रोज़गार के लिए भी काम करना है। स्कूल्स की बात करूँ तो मैं, स्कूल्स किधर है बताइए ना, कहाँ है स्कूल, कहाँ हो रहा है एक्टिविटी? एनसीसी लाइए जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स लाइए, जिससे क्या हुआ बच्चों को आगे जाने का मौका मिलेगा। नहीं, प्लेग्राउंड नहीं मुमरा के अंदर, प्लेग्राउंड भी नहीं। मैंने बोला ना, गार्डन नहीं है, जाएंगे बच्चे से? प्लेग्राउंड है ना, स्टेडियम, वो भी चार्जेस लाख रुपया चार्ज। मुझे भी बिल आया था तो मैं आपके साथ, मैं भी यहाँ की पीढ़ी तू बोला जाएगा। अच्छा, तो नहीं है, ये सब चीज पे काम होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर डेवलपमेंट देखना है तो चेंज करेंगे इस बार, और चेंज के बाद आपको डेवलपमेंट दिखेगा। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी नहीं दिखेगी, बिल्डिंग खड़ी होने के बाद वो नेता ही खाली मजबूत हुएला नहीं दिखेगा। अच्छा, अगर वो बिल्डिंग खड़ी हुई है तो बिल्डिंग में रहने वाले भी मजबूत रहेंगे। मतलब बिल्डिंग का नाम आया तो एक बहुत कनेक्टेड लगता है मुझे, मेरे को बहुत सैड फील होता है। कितनी बिल्डिंग गिरी इस बार? कोई नहीं गिरी आपके हिसाब से? गिरी है, बहुत स्लैब गिरे, बहुत इंजर्ड हुए। अभी लास्ट वन वीक की बात करूँ तो चार माले से एक बच्ची गिर गई, धोखेदायक बिल्डिंग का आपने अगर उसको टैग लगाया है, बहुत सीरियस है, अभी बहुत सीरियस है, उसको जुपिटर में लेके गया गया। क्यों लेके गया? ये सब बातें बहुत है, खाली बिल्डिंग यहाँ के बिल्डर्स खड़े कर रहे, लेकिन उसकी उसका गारंटी कौन ले रहा है? मतलब विकास किसका हो रहा है फिर? अगर यहां तो, मुमरा का विकास नहीं, विकास हो किसका रहा है? अगर मेरी गाड़ी बदल गई, मेरे पास गाड़ी नहीं थी और गाड़ी आ गई, अच्छा, अगर मुमरा में घर नहीं था और मेरे पास घर आ गया तो उनका, और तो डेफिनेटली विकास तो आप वहीं मानोगे ना। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल आप मुझे कोई बड़े से ऑफिस में बिठाओगे तो आपका विकास हुआ होगा ना। अच्छा, जनता का तो हुआ नहीं है। अच्छा, तो जनता का तो ऑफकोर्स हुआ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? आज जनता बाहर से आ भी रही है, कहाँ रह रही है? आठ माला भी बिना लिफ्ट की बिल्डिंग, और आप वो बिल्डिंग में घुसोगे भी तो आपको स्लैब गिरेले वो सब उखड़ेले मिलेंगे। कहाँ है विकास? यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ डेवलपमेंट की तो बात करेंगे तो मुझे लगता है मेरे को तो रोना आ जाएगा। यहाँ का डेवलपमेंट, आप अगर घरों में जाओगे, गलियों में जाओगे तो नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब जैसे टोरेंट की आपने बात करी, तो टोरेंट के ऊपर क्या कहेंगे? जैसे लोग कहते थे कि टोरेंट को आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ चले जाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, टोरेंट के बारे में बताऊँगी तो लोगों की तकलीफ तो बताऊँगी, लेकिन टोरेंट पर बात करने वालों का भी बताऊँगी। टोरेंट पे बात करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं है। अच्छा। टोरेंट पे पूरा मुमरा शहर के नेताओं ने बोला। अच्छा। सभी ने, नेताओं ने बढ़ चढ़ के बोला। कुछ नेता के घर के लोग ने भी कहा कि टोरेंट ऐसा है, इतना अच्छा है, उन्होंने भिवंडी में ये काम किया। ये सब वीडियोस है। अच्छा। नेट पे तो ये कोई, मैं उनकी बातों रिपीट कर रही हूँ। लोगों ने बहुत तारीफ की पहला। अच्छा। उसके बाद एक सडनली जब वो NOC वगैरह गया, मतलब जो शहर के जो बड़े हैं या शहर के जो आमदार है, शहर के नगर सेवक है, इन्होंने जब NOC दी तब जाके वो आ गए। अच्छा। लेकिन जब उसको लोगों का जब विरोध होने लग गया, जब उन्होंने अलग स्टेटमेंट हो गया, मैंने, मेरे लिए शौक था कि मैं ये वीडियो सच मानूं, जैसे कि पानी का मैंने बोला ये वीडियो, ये बात सच मानूं कि मैं ये बात सच मानूं। अच्छा। तुरंत उनका स्टेटमेंट चेंज, मतलब मुमरा में आके ऐसा लगता है ये बोल तो गए है। अभी टोरेंट के मामले में भी ऐसे ही हुआ। टोरेंट की पहली बहुत तारीफ हुई, एग्जाम्पल दिखाए गए, उसके बाद सडनली उन्होंने विरोध भी चालू किया। लेकिन तब तक टोरेंट को अंदर ला चुके थे, ला के पूरी फॉर्मेलिटी करके लाने के बाद उन्होंने विरोध चालू हुआ और टोरेंट का काम भी चालू हो गया था। लेकिन उन्होंने लोगों का नहीं सोचा। आज भी जिस बेशर्मी से वो लोग जो बात करते हैं ना लोगों के साथ, और अगर कोई टोरेंट वाले भी और ये जो नेताजी है यहाँ पर जो पूरे चल रहा है, मुझे लगता है जो ज्यादा चिल्लाएगा उसका कर देते हैं। अच्छा। वो देखते हैं, अच्छा कोई तकलीफ है, हाँ। अच्छा तो, लेकिन जो गरीब जो चिल्ला नहीं पाता है और जिसको रोटी नहीं पता है, मेरे पास तो एक दिन एक महिला आई, अगर ते 60 लाना 3 कमी आहे,
मिली काय 60 कमी आहे. अगं मला कळत नाही ते 60 कमी आहे नी, माझं मीटर नेलं. मैंने जब बिल देखा तो वो 57,000 का था, 60 में 3,000 कम. मतलब वर्ड लोगों को बोलने नहीं आ रहा है कि मेरे बिल कितना आया है. सोचिए वो लोग कैसा बिल पे करेंगे, मीटर पे लेके आया जा रहा है. मतलब मुमरा का कुछ समझ में ही नहीं आता है. मुमरा में लोग बोलते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं, या समझते हैं लेकिन बोलते कुछ और है. तो टोरेंट का भी यही हाल है. टोल तो एक थोपा गया है, किसका फ़ायदा है. तो नेताओं ने अपना फ़ायदा करा लिया. अच्छा. और टोरेंट को लेके आ गए. फिर अच्छा. चला उन्होंने विरोध करना चालू नेता कर तो दिया. आप भी है ना, तो कौन से नेता की हाँ बात तो मैंने इसके लिए आंदोलन किया ना. कौन से नेता की बात कर, मैं तो शहर में जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए नेता है ना, जो चले गए. अच्छा. है नहीं अभी. अच्छा. चले गए हैं. अच्छा. वो नेताओं ने अपने फायदे का काम कर लिया. अच्छा. और हो गया है. फिर उन्होंने आंदोलन चालू किया. किसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, किसने कहा कुछ भी, जो भी. अच्छा, बहुत अच्छा. सारी बातें हुई. अच्छा. एक की बात कैसा करके, मतलब एक ही पे आप कितना हल निकालना चाहिए. सभी का अलग अलग स्टेटमेंट था. लेकिन क्या होता है, मैंने इस पर भी आंदोलन किया. मैंने मंत्रालय तक के ले गई थी, मैं मंत्री तक ले गई थी. मंत्री ने भी एक्सप्लेन किया कि जब नहीं चाहिए था तो शहर में क्यों नहीं आवाज हुई, जब क्यों नहीं आपके नेता ने क्यों नहीं दबा आवाज किया. आज ये आ चुका है. अच्छा, ये अभी आ चुका है तो इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप बताइए हमें, हम आएंगे. इसी सब बातें हुई. लेकिन उसके बाद वो सिर्फ वो टारगेट दूसरों को दिया गया, क्योंकि फायदा तो हो चुका था ना. फिर वो बोला गया इन्होंने लाया, इसने लाया, ये सरकार ने लाया. लेकिन बीच में 2.5 था ना आपके पास. 2.5 साल था, आप कुछ कर सकते. देखिए, कुछ कर सकते. बीच में 2.5 साल था आपके पास, कुछ कर सकते. क्यों नहीं किया गया? आज वापस आप लोग लग गए हो लोगों के साथ आंदोलन पे कि नहीं नहीं अभी भी टोरेंट के लिए हम साथ में नहीं हैं, अभी भी हम खिलाफ हैं. 2.5 साल क्या किया आपने? मैं तो बहुत सारी बातों के लिए बोलूँगी, बहुत सारी बातों के लिए बोलूँगी जो आज खड़े रह के बोलते हैं ना कि नहीं हुआ. रेलवे का मैटर हो, इसका मैटर हो, पानी का मैटर हो, यहाँ के बस का मैटर हो, यहाँ के सड़क का मैटर हो, यहाँ के हॉकर्स का मैटर हो, यहाँ के ट्रैफिक का मैटर हो, यहाँ पर 2.5 साल क्या किया? 2.5 साल आपके पास पावर था, कहाँ गया वो 2.5 साल? क्यों नहीं हुआ वो बातें? आप वो पहले चिल्लाते थे फिर चिल्लाने लग गए. मतलब आप लोगों को क्या बेवकूफ समझते हो? लोगों को समझता नहीं 2.5 साल था आपके पास? आपने राज किया, आपने मुमरा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र पे राज किया. आपको ये 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 बेसिक लोगों को समझता है? और लोग समझे हैं. और लोग इस टाइम पे है ना, वो व्हाट्सअप, फेसबुक, वो साइलेंट लोग है. अच्छा. बहुत अच्छा आंसर करेंगे. अच्छा. आज आंदोलन बहुत बहुत बुरी बुरी बातें चल रही है, लेकिन नहीं, लोगों को पता है, लोग समझदार है, लोगों के पास काम नहीं है बट वो एजुकेटेड है. लोगों के पास वोट है. बिल्कुल है, वोट हक है. हक है. देश ने एक ही हक दिया है और एक ही हक देश ने मांगा है हमसे, वो है वोट. और इस बार देश का हक बिल्कुल मिलेगा देश को. और देश का सेवक जो होगा वो नगर सेवक बन के टीएमसी में जाने वाला नहीं होगा. अच्छा. नगर का सेवक बन के उनका काम करने वाला होगा. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा. मैडम एक चीज़ और है जो सवाल मैं सबसे करता हूँ. जैसे मुमरा शहर में हमारे तेज़ी से युवा पॉलिटिक्स की तरफ नज़र आ रहे हैं, तो क्या उनको मौका देना चाहिए कि एक अपडेट होगा? जैसे कि हम मोबाइल अपडेट करते हैं तो एक मुमरा भी अपडेट होना चाहिए. देखिए, युवा को मौका मिलना चाहिए. जी. कब मिलना चाहिए? एक ब्लैंक घर का बच्चा सामने आ रहा है. अच्छा. जिसका बैकग्राउंड ना हो. अच्छा. मेरा फेस खराब हो गया करके मैंने मेरे बच्चे को लाया, वो नहीं होना चाहिए. वो पीढ़ी चली रही. हाँ, नहीं होना चाहिए. आप छुपा रहे हो कुछ. अच्छा. आप कुछ कवर कर रहे हो. अच्छा. मतलब ये क्या होगा? मतलब वो जो बच्चा है, जो लड़का है, लड़की है, जो काम नहीं है, बेटा है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो उसको आप साथ नहीं दोगे? आप क्या वो फैमिली ही चलाएंगे? कार्यकर्ता जो करता है उसको मौका मिलना चाहिए. कार्यकर्ताओं को तो कौन देता है मौका? मैंने तो यहाँ नहीं देखा है किसी को मौका देते हुए. तो मुझे लगता है अगर युवा को मौका देना है तो आपका वो जो लास्ट का कार्यकर्ता है ना, उसको मौका दीजिए. तो मैं मानूंगी कि आप सच्चे कार्य, आप सच्चे नेता हो, आप सच्चे काम करने वाले हो और आप उस नगर के सेवक रह चुके हो. तो मुझे लगता है घर को बाजू में रख के अगर आपने उनको लाया तो मुझे लगता है सच्ची सलूट होगा मेरे तरफ से उनको. लेकिन अगर आप बोलोगे आपका फेस छुपाना है और हम एक दूसरा फेस ला रहे हैं उसके जरिए हम कवर करेंगे, तो नहीं. फेस जान चुकी है पूरी जनता और उसी फेस से आज वोट मिलेगा. क्या पहले किसने काम क्या किया है, आने वाला पीढ़ी वहाँ से ही है, तो वो सब तोलमोल होगा इस बार. मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये थे रीदा रशीद जी,
और इनकी एक एनजीओ भी है मुमरा शहर में, बहुत काम करे सोशल, और हमारे सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ, देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से।